हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 11th। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल एंड वर्क। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हैं और आगे हम पढ़ेंगे उसमें सेल एंड वर्क। लास्ट टाइम हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था और प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप है, जो उसका कवर है, जो उसका लिफाफा है, जो उसका बाहरी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप जो है वो तीन तरह का है। ये मान मैंने आपसे पहले ही बता रखा है, कोई भी प्रोकैरियोट अगर आप लेंगे तो वो एक्चुअली एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की अगर हम एनवेलप यानी बॉडी बनाएं तो सबसे पहले बाहर एक लेयर होगी और इस लेयर का नाम ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है किसी बैक्टीरिया में ये मोटी हो सकती है और किसी बैक्टीरिया में ये पतली हो सकती है। ये अलग अलग बैक्टीरिया की पेस पे है। जिस बैक्टीरिया में पतली होती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर किसी में ज्यादा मोटी होती है तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है दैट इज सेल वॉल, और सेल वॉल जो है ये असल में पूरी सेल को चूंकि ये ठोस है, रिजिड है, टफ है, तो ये एक टफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो कि सेल को सपोर्ट करता है इसमें प्रिवेंट होने में, बस्टिंग से, कोलैप्सिंग से, सेल फटने से या बेकार होने से बचाने में, यानी प्रोटेक्टिव लेयर इसको हम कह सकते हैं सेल वॉल। यानी ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है ये लेयर सेल वॉल की लेयर है। ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, ये वाली जो है ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है कि सेल किस तरह की होगी। इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि सेल वॉल स्ट्रक्चर और सपोर्ट की यूनिट है जो प्रिवेंट करती है बस्टिंग से, प्रोवाइड करती है हार्ड सपोर्ट इस सेल, इसमें बैक्टीरिया। अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल मेम्ब्रेन, यानी जैसे हमारी बॉडी में और
सेल वॉल में ग्लाइकोजेनेसिस की वजह उसको मेम्ब्रेन या परमिशन नहीं देती है, बल्कि मतलब नहीं देगा मतलब ये है कि वो सिर्फ इसी से अंदर और बाहर की एंट्री कंट्रोल होती है। एक और खास बात कि सेल मेम्ब्रेन जैसे नहीं है जैसे एरो मेम्ब्रेन, तीनों की तीनों मेम्ब्रेन का काम बिल्कुल अलग अलग है, तीनों स्ट्रक्चर में अलग है, तीनों का काम अलग है। इसका कुछ चिपचिपाहटपन पैदा करना है ताकि ये इससे जाके चिपक के बैठ के आराम से खाए पिए मुझे। इसका काम इसकी बॉडी को मतलब मजबूती प्रोवाइड करना है, इसको एक स्ट्रक्चर देना है। इसका काम भी है ये असेंबल की फॉर्म में होती, मतलब ये जैसे मेम्ब्रेन पहला काम इसका है सेलेक्टिव परमियेबल, दूसरा इस मेम्ब्रेन का काम है ये कि ये न्यूजोसोम फॉर्म करती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का इंट्रूजन बनाती है जैसे ऐसे। अभी देखिए यहां से अगर यहां तक होती तो सिर्फ इतना सा सेल सरफेस रहता, लेकिन ऐसा होने पे देखिए सेल सरफेस कितना बढ़ गया है ना। दिस इंक्रीज इन द सेल सरफेस थ्रू द इंट्रूजन inside the mother cell, this is actually what is known as mesosome. Mesosome कभी कभी गुब्बारे टाइप में मतलब हमारी भाषा में बायोलॉजी से वैसे कर बोलते हैं, कभी कभी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और कभी कभी लैमेले की फॉर्म में जैसे ये ट्यूब्यूल है राइट, और ये लैमेले कभी वेसिकल की फॉर्म में, कभी ट्यूब्यूल की फॉर्म में, कभी लैमेला की फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है? मीजोसोम। ये किस काम में मदद करती है? ये मदद ये मीजोसोम जो वेसिकल की फॉर्म में, ट्यूब्यूल की फॉर्म में, लैमेले की फॉर्म में है, ये सेल को बैक्टीरिया को मदद करते हैं इस इसमें नंबर एक सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी ये जो मदद करती है अंदर की जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन, इसी से बने हुए इंट्रूजन्स जिन्हें हम न्यूजोसोम्स कहते हैं, यही मदद करेंगे इसमें, यही मदद करेंगे सेल वॉल के फॉर्मेशन में, यानी कि इस वाली लेयर के फॉर्मेशन में। दूसरा काम ये है कि यही इंट्रूजन्स डीएनए को रेप्लिकेशन में मदद करेंगे, यही रेस्पिरेशन में सेल रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, तो यही सीक्रेशन में मदद करेंगे, मतलब सेल को अगर कोई चीज सीक्रेट करनी है तो प्रोटीन बनाया है उसको सेल से बाहर जाना है, तो यही किडनी की थ्रू जो है बाहर जाएगा, यानी किसके थ्रू? मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन किसके थ्रू में? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला के थ्रू में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन, इसके अलावा रेस्पिरेशन, इसके अलावा सीक्रेशन। अब एक बात और सुनिएगा, मीजोसोम असल में इसको एक जगह कहने के लिए क्रोमेटोफोर भी कहा जाता है, कहा? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में जब मीजोसोम्स इनके अंदर की तरफ हो, उनके पास कुछ कलर हो, तो उसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर में मतलब क्रोमा है, क्रोम का मतलब कलर होता है, क्रोम का मीनिंग क्या होता है? कलर। और बायोलॉजी में कलर को पिगमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब कभी कभी मीजोसोम जब अंदर की तरफ होता है तो उसको हम क्रोमेटोफोर कह सकते हैं या कहते हैं, और होता कहां है उसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया को हम कहते हैं। नेक्स्ट, जो सेल की टाइप होती है, कितने तरह की सेल होती है, किसके लिए स्टेबल? ऐसे तो एनिमल सेल, प्लांट सेल होती, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक होती, तुम कौन सा वाला बेस बात कर रहे हो? हमने कहा कि सेल एनिमल और स्टेम के रिस्पांस की बेस पे सेल कितने तरह की होती है? आंसर आएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब देखो कौन सा था, देखिए सेल एनिमल ये तीनों, सेल के स्टेम यानी इन तीनों का एक डाई के रूप में, एक डाई है उसको आप नाम बताएंगे ग्राम, उसको भी आप बताएंगे क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का, मैं बता देता हूं ग्राम का एक एक्सपेरिमेंट था। उसके रिगार्डिंग अगर कोई डाई को पकड़ लेता कोई बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया नहीं पकड़ पाता है उसको मिलाओ ग्राम नेगेटिव कहते हैं। बैक्टीरिया उस कलर को उस डाई को कैसे पकड़ेगा? वो इसकी मेम्ब्रेन की बेस से पकड़ेगा। मेम्ब्रेन कैसी है? मेम्ब्रेन अगर
प्रोफेसर ग्राम, उन्होंने ये एक मतलब बैक्टीरिया की पहचान के लिए एक तरीका इजाद किया था। उसमें इन्होंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे स्टेनिंग में पॉजिटिव आते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टेनिंग में नेगेटिव आते हैं। इस तरह बैक्टीरिया का दो तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप एंड स्टेन रेस्पॉन्स। इफ दे रेस्पॉन्ड इट मींस दे आर ग्राम पॉजिटिव, इफ दे डू नॉट रेस्पॉन्ड दे आर ग्राम नेगेटिव। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल्स। अब बैक्टीरियल सेल्स या तो वो मोटाइल हो सकती है या तो वो मोटाइल हो सकती है, मतलब ये बैक्टीरिया की सेल है, यहाँ अगर बैक्टीरिया रखा है तो यही रखा रहेगा, उसको हम कहेंगे नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब चलते फिरते, मोबाइल का मतलब चलते फिरते, मोटाइल नॉन मोटाइल मतलब वो जो अपनी जगह बैठा रहे एक जगह से साइल, उसको हम कह सकते हैं नॉन मोटाइल। का दूसरा नाम बायोलॉजी में सेसाइल, सेसाइल का मतलब जो जहां चिपक गया वो बन जाएगा। अगर ऐसी बात है तो आगे मतलब जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके पास ऐसा क्या है कि वो मोटाइल को मतलब मूवमेंट करते हैं, उनके पास आप कह रहे कागो कौन सी चीज है, पता चलेगा कि उनके पास फ्लैजेला नाम का एक धागा सा है, वो नंबर में अलग अलग होता है, किसी के पास एक ही होता है, किसी के पास एक दो या चार छह आठ दस भी हो सकते हैं, किसी के पास एक धागा ऐसे निकल जाएगा बस, क्योंकि हो सकता है एक धागा बड़ा हो एक छोटा हो, हो सकता है कि एक धागा ऐसे पार कर रहा हो एक ऐसे, मतलब कई तरह के जो ये धागे से मतलब है फ्लैजेला, जिस जो भी बैक्टीरिया मूवमेंट करेगा उस बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला में तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एक लंबा सा धागा जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, जिससे फिलामेंट हमारी मतलब जिससे फिलामेंट एक सेल की एनवलप से अटैच होता है उसका नाम होता है हुक, यानी हुक मींस ऐसे होता है ना पकड़ने वाला, तो मतलब मेम्ब्रेन से किसने पकड़ा, मेम्ब्रेन से हुक को मतलब फिलामेंट को मेम्ब्रेन से अटैच करने वाले का नाम हुक। और बेसल बॉडीज, ये बेसल बॉडी वो है जो फ्लैजेला को पकड़ के इस मेम्ब्रेन में अटैच करेगी, सेल में पकड़ के रखेगी, तो मतलब बेसल बॉडीज और हुक दोनों मिलकर के फिलामेंट को पकड़ लेंगे, उनकी जड़ बनाने में काम आते हैं, और तब ये तीनों मिलकर के फ्लैजेला बनाते हैं। ये फ्लैजेला अगर मूवमेंट करता है, अगर फ्लैजेला हिलता है तो फिर पूरा का पूरा जो आपका बैक्टीरिया है वो भी हिलेगा। इसका मतलब बैक्टीरिया हिलने का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल, और कुछ बैक्टीरिया की सेल है जो नॉन मोटाइल है। अब जो ये मोटाइल होती है मतलब जो मोटाइल हो या ना वो कुछ कह नहीं सकते उनके, मतलब मैं दोनों बैक्टीरिया की अब बात कर रहा हूँ कि इनके पास फिल्लाई और फिल्ब्री नामक दो और चीजें हैं। फिल्लाई फिल्ब्री तो ऐसे ही है, फ्लैजेला तो एक लंबा सा धागा है, लेकिन फिल्लाई और फिल्ब्री छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे जैसे कंघी नुमा नाम है। आपने देखा होगा कि एक होता है कंघा मतलब कोम, एक होता है कंघी, अगर कंघे को मान के चले तो समझ लीजिए कि वो फिल्लाई की बात कर रहे हैं, फिम्बरी जो है वो बिल्कुल ही छोटे छोटे दांतों वाली हुई ऐसे मतलब धागे से है। ये किस तरह के स्ट्रक्चर पाए गए बैक्टीरिया के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया में फिल्लाई है, और ये फिल्लाई की खास बात यह है कि ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। फिम्बरी भी मतलब जो है स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो धागे टाइप में ऐसे 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 बस बिखरी सी हुई है, ऐसे मतलब ब्रिसल नेचर है इनका, चमकदार एकदम। कुल मिलाकर ये बैक्टीरिया के चारों ओर होती हैं, कहाँ हो सकती हैं, एक लाइकोकैरियोट्स के बाहर होंगी। तीसरी बात इसमें हम ये समझेंगे कि जो मोटाई है वो पिल्लाई लगते हैं स्पेशल किससे, प्रोटीन से बनते हैं, जबकि फिम्बरी जो है वो भी ब्रिसल लाई हुई है, बैक्टीरिया के चारों तरफ होती हैं। एग्जाम्पल आपने ड्यूरिन एल्गी में मिलेगा, आप देखिएगा कि जेलेटिनस शीट होती है, इसके जो जेलेटिनस शीट है वो आपके एक्चुअल में फिम्बरी से बनी है, ग्लाइकोकैरियोट्स में मौजूद होती है। यहाँ तक समझने के बाद हम ये समझे इस जो बैक्टीरिया है इसकी बात, और वो बैक्टीरिया क्या है, नंबर एक बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब हम पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा, और इस क्लास में भी हम प्रोकैरियोट के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल उसका एनवलप कैसा होता है, उसकी बॉडी के बाहर का कवर कैसा होता है। मैंने आपको बताया तीन तरह का है, ग्लाइकोकैरियोट्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। जब ग्लाइकोकैरियोट्स की बात की जाए तो
स्लाइम लेयर होती है जो पतली भी हो सकती है मोटी भी हो सकती है। जो अगर वो पतली है तो स्लाइम लेयर कहलाती है, अगर वो हल्की सी मोटी है तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। ये मिलती कहाँ है? ये मिलती है बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी सबसे बाहर की लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। अगर वो पतली है तो स्लाइम लेयर, अगर वो मोटी है तो कैप्सूल। उस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो मैंने बनाया था ग्रो किया था शुरुआत में वो थी सेल वॉल। सेल वॉल की स्ट्रक्चर काम होता है सेल को एक स्ट्रक्चर देने का और उसको एक सपोर्ट देने का, तो ताकि वो जो है प्रिवेंट हो जाए बस्टिंग से, जो फटे ना या बेकार ना हो। इसके अलावा लास्ट में सबसे अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो मतलब चीज है कि सेल मेम्ब्रेन, जो तीसरा एनवेलप है, तीसरा लिफाफा है, ये सेलेक्टिवली परमीएबल है। कुछ को एंट्री देगा, कुछ को एंट्री नहीं देगा। ये गारंटीड है ऑक्सीजन को, CO2 को, और ऑक्सीजन CO2 और H2O को तो एंट्री देगी ही देगी होगी। जितने भी प्रोटीन अंदर बनेंगे उन सबको कहीं पहुंचना होगा, जहां पहुंचना होगा तो सेल से निकलना पड़ेगा। सेल से निकलने के लिए भी एंट्री मतलब एग्जिट का पास लेना पड़ेगा। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन कहलाती है अपने आप में। सेल परमीएबल मेम्ब्रेन ही इसका नाम है। इसमें आप देखेंगे कि ये मीजोसोम्स भी मिलते हैं। वो मीजोसोम असल में क्या है कि वो स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल अंदर की तरफ मूवते, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूवते बनाती है। इनसे फायदे क्या क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन के डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन वगैरह में ये ज्यादा मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा तो ये सरफेस कम है, लेकिन अगर सरफेस ऐसे कर दिया जाए तो अब देखिए सरफेस इतना सारा मिल गया काम करने के लिए, तो ऐसा होने से क्या होता है, ऐसे सरफेस बनने से क्या होता है कि सेल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेप्लिकेशन और सीक्रेशन में ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, तो ज्यादा सीक्रेशन और रेप्लिकेशन इजीली, सॉरी रेस्पिरेशन इजीली हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि मीजोसोम्स, जो मीजोसोम होते हैं वो असल में क्रोमेटोफोर भी कहलाते हैं। कहाँ पर? ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसे सियाना बैक्टीरिया कहा जाता है, उसमें क्रोमेटोफोर जो होते हैं कलर्ड होते हैं, और कलर्ड के लिए बायोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्रोमेटोफोर जो है वो पिगमेंटेड है। ये सारा का सारा पढ़ने के बाद अब हम लोगों को होमवर्क करना है। होमवर्क में हमारे पास दो चीजें हैं। नंबर वन, फाइंड आउट मोर अबाउट ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, लास्ट